को चेक करा दिए, ये 12 नंबर पर मैं अभी लगाया हुआ है, 12 नंबर पर जो हमारा जहाँ पर हमारा ग्राउंड आना है। तो ये देखें जी, तो ये ग्राउंड भी हमारा आ रहा है, यानी कि हमारी सप्लाईज ओके आ रही हैं। अब अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल हैरियत से होंगे और अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड विद हमजा में वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरे यूट्यूब पर मैंने देखा एक आधी वीडियो पड़ी होगी, तो इसलिए सोचा कि आपके लिए ये वीडियो बनाऊँ। इस गाड़ी में प्रॉब्लम ये आ रही है, निसान पेट्रोल 2016 मॉडल गाड़ी है, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है। मैं इसका पैडल प्रेस कर रहा हूँ, ये देख रहे हैं, लेकिन ये हमारा लीवर जो है ये स्टक है, ये लीवर काम नहीं कर रहा हमारा, ये आप देख रहे हैं। इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये लीवर हमारा काम नहीं कर रहा है, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। अब इसमें क्या चीज़ें चेक करने वाली होती हैं, इसमें दो स्विच इसके नीचे आते हैं ब्रेक के, एक तो स्टॉप का आता है, स्टॉप स्विच आता है, और दूसरा ICC स्विच आता है। उसमें चार वायरें होती हैं और जो स्टॉप का आता है उसमें दो वायरें होती हैं। मैं आपको चेक कराता हूं ताकि आपको प्रॉपर जो है वो पता चल सके। ये देखें जी, ये जो क्लेजी कलर में ये हमको मिल रहा है, ये स्टॉप का स्विच है। अब उसके आगे एक स्विच लगा हुआ है, ये वाला एक स्विच लगा हुआ है, उसके आगे ये वाला, ये जो स्विच है ये हमारा क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम का है, ये हमारा क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम का। निशान में ये सिस्टम आता है कि इसके दो अलग स्विच लगे होते हैं, एक जो स्टॉप ब्रेक सिस्टम का होता है और दूसरा जो है वो इसमें आता है इसके क्रूज सिस्टम का, इस क्रूज सिस्टम का जो ये आप देख रहे हैं क्रूज ऑन ऑफ का, इसका आता है। तो आपने स्टॉप तो कैसे चेक करना है, एक स्टॉप तरीका ये है कि आप ब्रेक लगाएंगे और पीछे देखेंगे लाइट्स ऑन हो रही हैं नहीं हो रही। दूसरा तरीका कार ये है कि आप अपना स्कैन टूल लगाएंगे, यहाँ पर आप अपना चेक करेंगे स्टॉप इसका स्विच ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। डायग्नोज किया हुआ है अपने स्कैन टूल पर, यहाँ पर भी आपको चेक कराता हूँ कि कैसे आप इसको चेक कर सकते हैं, इसके स्टॉप के बटन को। ये आप देखेंगे लाइट्स इसकी ऑन है, उसकी वजह ये है कि मैंने यहाँ से ये इसका जो खोली हुई है, ये आप देख रहे हैं ऊपर वाली डिफ लॉक का इसका स्विच वगैरह और ये चीज़ें खोली हुई हैं, इस वजह से इसकी ABS की लाइट, ट्रैक्शन की लाइट ऑन हुई हुई है। तो आपने जाना सिंपली क्या करना है, आपने जाना यहाँ से TCM में भी जा सकते हैं, ECM में भी जा सकते हैं, ABS में भी जा सकते हैं। तो यहाँ से मैं TCM में जा रहा हूँ, यहाँ से आपने जाकर स्टॉप जो है इसका स्विच है वो उसको सेलेक्ट करना है, उसको सेलेक्ट करके आप देखेंगे कि हमारा स्टॉप का स्विच है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ से मैं इसको लाइव डाटा में जाऊँगा, यहाँ पर लिखूँगा जी स्टॉप, ये आप देखेंगे जी स्टॉप स्विच, स्टॉप लैंप स्विच है, यहाँ ऑन करूँगा ये ऑन हो रहा है, ऑफ ऑन यानी कि इसका स्टॉप का जो स्विच है उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा जो स्विच आता है वो ICC के साथ इस्तेमाल होता है, इंटेलिजेंस क्रूज कंट्रोल, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। ये स्टॉप का इसका जो स्विच है उसमें इशू आता है, जिस वजह से कभी कभी ये काम नहीं करता, लेकिन मेरे केस में इसका स्टॉप का स्विच जो है वो बिल्कुल ओके है। ये आप देख रहे हैं स्टॉप का स्विच काम कर रहा है। अभी हमें क्या चाहिए, अभी इसकी वायरिंग डायग्राम चाहिए, और अभी मेरे पास लाइव डाटा जो ऑल डाटा सॉरी उसमें निसान की मैंने आपको बताया कि जो मिडिल ईस्ट की गाड़ियाँ निसान पेट्रोल वगैरह इसका अलग सब्सक्रिप्शन मिलती है, इसमें मेरे पास जो ऑल डाटा उसमें नहीं है, इसमें इसकी वायरिंग डायग्राम, लेकिन मैंने इसकी वायरिंग डायग्राम अरेंज की हुई है, तो वो सबसे पहले आपको वो चेक कराता हूँ। वायरिंग डायग्राम मैंने अरेंज की हुई है, तो सबसे पहले आप सर्किट समझ लें कि सर्किट क्या है, ये कैसे काम कैसे करता है। तो ये जी हमारी जो शिफ्ट लॉक की है मैं आपको चेक करा देता हूँ, 80 शिफ्ट सेलेक्टर, ये हमारे जी चीज़ है जिसने काम करना है, M57 इसका करेक्टर है। और ये कैसे काम कैसे करता है ये आप देख रहे हैं, ये बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल है, ये इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक इंजन रिमोट से जो स्टार्ट होती है उसमें ये रिले लगी होती है, लेकिन ये हमारी रिमोट से स्टार्ट होने वाली गाड़ी नहीं है, ये सादी है, तो इसमें ये चीज़ नहीं है, ये वाली चीज़ इस गाड़ी में नहीं है, ये जो इस साइड पे आ रही है। हमने क्या चीज़ का चेक करनी है, हमने फ्यूज़ चेक करना है, अगर हमारा स्टॉप स्विच में जा रहा फ्यूज़, अगर स्टॉप स्विच काम नहीं करेगा क्योंकि उसमें करंट नहीं आएगी, लेकिन हमारा जो केस है उसमें स्टॉप स्विच में करंट आ रही है, स्टॉप स्विच ऑन हो रहा है, पीछे लाइट भी ऑन हो रही है। अब ये स्टॉप स्विच वायर होकर आप देख रहे हैं ये 11 नंबर M57 पर आ रही है, ये देख रहे हैं M57 पर आ रही है, और 12 नंबर इसमें आप देख रहे हैं ये इसमें वायर है ब्लू कलर की, इसमें हमारा ग्राउंड आना है। दो वायरें हमने चेक करनी है, एक में हमने स्टॉप का बटन प्रेस करना है, यहाँ पर करंट आनी चाहिए 11 पर, और दूसरा हमारा जो है वो स्टॉप यहाँ पर हमारा आना चाहिए जी अर्थ आना चाहिए, एक ग्राउंड और एक करंट हमने चेक करनी है। और ये इसका 80 शिफ्ट सेलेक्टर का हमारा पूरी सर्किट सिस्टम है, ये मैंने अपने फ़ोन से फ़ोटो इसकी ली है सिर्फ आपको चेक कराने के लिए, क्योंकि मोबाइल में मेरे पास मैं वीडियो इस पर बना रहा हूँ अपने फ़ोन पर। तो ये जी हमारा सिस्टम है, और मैं आपको चेक कराता हूँ कि इसका जो M57 ग्रिप है वो किधर लगा हुआ है। ये आप देखेंगे इसमें इसके सेलेक्टर के साथ कितने लगे हुए हैं, एक ये कनेक्टर लगा हुआ है, एक ये कनेक्टर लगा हुआ है, जो ये कनेक्टर है ये वाला, ये हमारा जी M57 है। अब इसमें आपने वायर को काउंट कैसे करना है, देखिए टोयोटा में मैंने एक अपनी ट्रेनिंग में बताया था कि टोयोटा की जो है वो आपने लेफ्ट टू राइट जाना है, ये फीमेल कनेक्टर है लेफ्ट टू राइट जाना है, लेकिन निसान में ऐसा नहीं है, इसमें आपने इस तरीके से जाना है, आगे यहाँ से आपने काउंट करना है राइट टू लेफ्ट, ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6
सेवन एट, एट ऊपर है, नाइन टेन इलेवन, ये इलेवन में हमारी आनी चाहिए जी करंट, और ट्वेल्व में हमारा ग्राउंड आना चाहिए इस वायर में, इस वायर में। तो ये दोनों वायर में आपको चेक कराता हूँ, ये मैंने अपना जो टेस्टर है वो लगाया हुआ है, ये एलईडी टेस्टर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये अगर किसी भाई ने टेस्टर चाहिए तो नीचे मैं नंबर दे रहा हूँ, आपने यूट्यूब पर देखा होगा उमेर भाई हैं, बहुत ज़बरदस्त अपना काम करते हैं, मैंने बहुत चीज़ें उनसे सीखी हैं, मुगल ऑटो इलेक्ट्रिशियन के नाम से, उनका मैं नंबर नीचे दे रहा हूँ, अगर किसी भाई को चाहिए ओमान में या जीसीसी कहीं भी, तो वो आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको लगा के चेक कराता हूँ जी अपना इलेवन नंबर जी, इधर मैंने 11 नंबर यहाँ पर लगाई हुई है, ऊपर आप टेस्टर मेरा चेक करेंगे, यहाँ से मैं पैडल प्रेस करूँगा इसका, अभी मैंने पैडल प्रेस किया इसका, ये देख रहे हैं जी, ये अभी वोल्टेज हमारे शो कर रही है, ये वोल्टेज भी इतना, मेरी लाइट ऑन है, देखेंगे मैंने लाइट ऑफ की है, तो ये हमारी करंट आ रही है, ये मैं पैडल प्रेस कर रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये जैसे करंट आएगी तो ये रेड लाइट ऑन होगी, और जैसे ग्राउंड आएगा तो इसमें ग्रीन लाइट ऑन होगी, ये देख रहे हैं, मैं प्रेस कर रहा हूँ और 12.7 वोल्ट आ रहे हैं, यानी कि इसमें करंट अभी हमारी आ रही है। अब एक चीज़ हमें चेक करनी है कि इसका ग्राउंड, जैसे ही हमारा ग्राउंड जो है वो कन्फर्म हो जाएगा तो फिर हमारा जो प्रॉब्लम है इसके स्विच में आएगा। तो ये मैंने आपको चीज़ें चेक करा दी, ये इसमें थोड़ा सा मेरे से टेस्टर हिल है, लेकिन हमारा जो ब्रेक स्विच है वो बिल्कुल प्रॉपर काम कर रही है, आप देख रहे हैं, मैं ऑन ऑफ कर रहा हूँ इसको, तो ये बिल्कुल करंट हमारी प्रॉपर दे रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे ब्रेक स्विच में, और ब्रेक स्विच सिस्टम में भी ऑन हो रहा है, सिस्टम में आपने चेक कर लेना है ब्रेक स्विच स्टॉप लैंप स्विच ऑन हो रहा है, तो फिर आपने इस तरीके से यहाँ पर करंट चेक कर लेनी है। अभी हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड में चेक करता हूँ, अगर ग्राउंड ओके तो फिर हम जो ये सिस्टम है इसका, इसको चेक करते हैं, को चेक करा दिए, ये 12 नंबर पर मैं अभी लगाया हुआ है, 12 नंबर पर जो हमारा जहाँ पर हमारा ग्राउंड आ रहा है, तो ये देखें जी, तो ये ग्राउंड भी हमारा आ रहा है, यानी कि हमारी सप्लाईज ओके आ रही हैं, अब मसला इसमें आ रहा है। अब इसको मैं ओपन करता हूँ और आपको चेक कराता हूँ कि इसके इनसाइड क्या है, मैंने निकाल दिया बाहर, ये आप देख रहे हैं, यहाँ से ये इसका लॉक है, एक ये लगेगा इधर, इधर लगेगा, और ये एक लॉक है, ये लॉक है इसका, और ये यहाँ लगा होता है, और ये ईजीली ऐसे करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, तो इसको बाहर चल के अभी चेक करते हैं। मैं निकाला हुआ बाहर, अब इसमें दो वायरें जो हमारी बन रही हैं 11 और 12, ये दो वायर हैं येलो कलर की, और ये आप देख रहे हैं दूसरी वायर है हमारी ये ऑरेंज कलर की, ये दोनों वायरें यहाँ से होकर यहाँ इधर आ रही हैं, देखिए ये इसमें नीचे इसमें ये लगा हुआ है सेंसर, जो हमारा सेंसर है ये सेंसर है इसमें, ये वाला सेंसर, अब ये सेंसर में हमारा प्रॉब्लम आ रहा है जी, और ये सेंसर हमारा काम नहीं कर रहा, ये एनपीएन जो लगा हुआ पीएनपी स्विच आता है, यानी जो बताता है कि हमारा पी पर है या एन पर है, तो ये बताती है हमारा जी ये स्विच लगा हुआ पीएनपी, और एक वायर इसमें जा रही है ग्राउंड और एक वायर, ये आप देख रहे हैं, ये इसमें वायर आप एक ग्राउंड की वायर है, इस स्विच में आती है, इस स्विच में आती है और इसमें जाती है वापस, और दूसरी वायर आप देख रहे हैं इसमें ऑरेंज कलर की वायर है जो हमारे स्विच में जा रही है, इस स्विच में हमारा प्रॉब्लम आ रहा है। तो कैसे खोलते हैं, दो पेच लगे हुए हैं, एक इधर है और एक इधर है, ये खोलने के बाद ये देखें ये इस तरह फ्री हो जाएगा, लेकिन ये बाहर नहीं आएगा, बाहर निकालने के लिए ये आपको लीवर खोलना पड़ेगा, उसको खोलने के लिए ये देखें ये लॉक है इसमें, ये आप लॉक इधर लॉक इस तरीके से लगा हुआ है, ये लॉक आप देख रहे हैं इस तरीके से, यहाँ प्रेस करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, ये देखें एक साइड पर मैं निकाल दिया, दूसरे साइड ये है, ये इस लॉक को आपने प्रेस करना है इस तरीके से, ये मैं आपके सामने करता हूँ, ये पीछे से आपने फिर इसको ऐसे करना और ये निकल जाएगा इजीली। हमारा सेंसर लगा हुआ है, ये सेंसर है हमारा, ये सेंसर इसमें प्रॉब्लम हमारा आ रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये 12 वोल्ट डीसी पर ये काम करता है, आप इसको बाहर भी करंट अर्थ देकर ये चेक कर सकते हैं, दो ही इसके वायर हैं, ये आप देख रहे हैं दो वायर हैं इसमें, एक में आप ग्राउंड दे दें और एक में आप करंट दे दें इधर, तो यहाँ पर ये काम करेगा, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से काम करता है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा, अंदर से ये ख़राब हो चुका है। मेरे पास ये जो 80 शिफ्ट कंट्रोलर लेबल है ये आ चुका है, ये जी ये आप देख रहे हैं, अब ये मेरे पास यूज्ड में आया तो इसको लगाते हैं, और ये हमारा ओल्ड वाला, तो इसका सेंसर जो है ना वो यूज्ड में आप लेंगे तो सेंसर लोग नहीं देते, मुकम्मल ही देते हैं, और नया जो है इसका जो कंपनी में आता है या वकाले का वो बहुत मुश्किल से मिलता है लेकिन मुश्किल से मिलता है, तो इसलिए वो मुझे अभी मिला नहीं, अवेलेबल नहीं है, तो ये मुस्तमल या समझ लेके यूज्ड में आया मेरे पास, अब इसको लगाते हैं और आपको चेक कराते हैं जी, ये वाला मुकम्मल, इसको बोलते हैं जी 80 शिफ्टर सेलेक्टर, तो इसको लगा के चेक कराता हूँ मैं आपको। तो मैंने गियर केबल और ये लॉक जो मैंने आपको चेक कराया, ये वाला लॉक मैंने लगा दिया, ये वाला लॉक आप देख रहे हैं इस तरीके से ये लगना है इसमें, तो ये मैंने लॉक लगा दिया, तो इसको अभी करते हैं जी टेस्ट आपके सामने जी, गाड़ी करता हूँ मैं इसको स्टार्ट, तो गाड़ी जी हमारी स्टार्ट है, अभी आप इसकी आवाज़ सुनेंगे, इसमें आवाज़ भी आएगी, ये आप देख रहे हैं आवाज़ आ रही है टिक टिक की,
तो अभी आटा इसको मैं लीवर को लगाया हुआ है, आपको सामने अभी टेस्ट कराता हूँ इसको। ये आप देखेंगे, ये आप देख रहे हैं, ये सेंसर अंदर से काम कर रहे हैं और आवाज़ भी आ रही है। ये आप देखेंगे, ये मेरे पैडल प्रेस करने से ये यहाँ पर अभी आवाज़ भी कर रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये सेंसर है इसमें। और ये जनाब मैं यहाँ से लगा रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं बिल्कुल ईजीली, अभी बिल्कुल प्रॉपर हमारा ये लीवर काम कर रहा है। और ये अभी प्रॉपर हमें कोई इसमें इशू अभी बाकी नहीं है। ये आप देख रहे हैं वो नीचे से सेंसर भी इसमें वर्क कर रहा है। ये सेंसर आप देखेंगे वो शायद थोड़ा सा, ये सेंसर है जी इसके अंदर, और ये अभी प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह काम पूरा मुकम्मल कर रहा है। तो अगर इसको मैं अभी कंप्लीट करता हूँ, सारा तरीका कर मैंने आपको चेक करा दिया किस तरीके से आपने इसको बदलना है, और अगर इसके अंदर सेंसर बदलना है तो वो भी मैंने आपको चेक कराया। इसको सारा को खोल के बाहर निकाल के आप सेंसर अलग से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये मुकम्मल आ जाए तो मुकम्मल इस तरीके से फिर आपको बिल्कुल ईजी है, बस बोल्ट खोलें और इसको लगा के चेक कर लें। तो अभी इसको फिटिंग करते हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी बिल्कुल अभी ओके हो चुकी है, ये मैंने सामान सारा लगा दिए और ये अभी आप देख रहे हैं ये बिल्कुल अभी हमारी प्रॉपर ये काम कर रही है और अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके सामने जी लीवर हमारा ओके हो चुका है। तो वीडियो बनाने का मकसद था कि आपको वायरिंग डायग्राम आपके मुकम्मल गाइड कर सकूं और कैसे कौन सी सप्लाई किस में आनी है और कौन सा स्विच जो है नीचे से इसमें सप्लाईज देता है। तो बहुत से दोस्त क्या करते हैं कि नीचे दोनों स्विच चेंज कर देते हैं लेकिन प्रॉब्लम वही की वही रहती है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। लेकिन मैं आपको पता है कि मैं एक पूरा प्रॉपर आपको गाइड करता हूँ हर वीडियो में। तो इस वीडियो में बनाने का मकसद थे यही था कि आपको मुकम्मल तरीके से गाइड कर सकूँ कि कहाँ पर किस चीज़ का इशू आ सकता है। तो ये थी जी आज की वीडियो, इसमें मुकम्मल मैंने आपको गाइड किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।